इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ ईशा। आज हम शमी कबाब बनाने जा रहे हैं। शमी कबाब ये हमारी वेजिटेरियन रेसिपी है और ये हम बनाएंगे कमल ककड़ी के साथ में। शमी कबाब बनाने के लिए चाहिए हमको 200 ग्राम कमल ककड़ी, 2 बॉईल किए हुए आलू जो हमने बॉईल करने के बाद मैश कर लिए हैं, या तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, 2 हरी मिर्ची जो हमने चॉप कर ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच बेसन, जायफल 1/4 चम्मच, 1 चम्मच अदरक जो हमने कद्दूकस कर ली है और 1 नींबू। अब हम शमी कबाब का मसाला बनाना चालू करेंगे। पहले लेंगे हम कमल ककड़ी। कमल ककड़ी हमने इसको बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद हमने इसको कद्दूकस कर लिया है। अब लेंगे हम आलू। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, बेसन, धनिया, गरम मसाला, अदरक, ये हमने कद्दूकस कर लिए, नमक, जायफल ये भी हमने कद्दूकस कर लिया है, चाट मसाला, अब नींबू निचोड़ेंगे। एक पूरा नींबू लेंगे इसमें, अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हाथों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। हाथ में थोड़ा सा तेल लेंगे ताकि ये चिपके नहीं, और इसके कबाब बनाएंगे गोल गोल। इसी तरह से बाकी कबाब भी बनाएंगे। अब ये हमारे कबाब बन चुके हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब ये हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें कबाब डालेंगे। एक बार में 2 या 3 ही कबाब डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो कबाब फूट सकते हैं। इसको हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अगर आपके कबाब फूटने लगे तो थोड़ा सा बेसन उसमें ऐड कर लीजिए तो कबाब नहीं फूटेंगे। अब ये हमारे कबाब एक तरफ से सिक गए हैं, अब दूसरी तरफ पलटेंगे। अब दूसरी तरफ इसे सिकने देंगे। मीडियम आंच में ही पकाएं ताकि वो अंदर से भी पक सके कबाब। अब ये हमारे कबाब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। और बाकी जो बचे कबाब हैं उन्हें तलेंगे। अब ये हमारे बाकी कबाब भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। अब ये हमारे शमी कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। इसे पुदीने की चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ इसका आनंद लें। और ये बनाने में भी बहुत आसानी से बन जाते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अगली रेसिपी का इंतज़ार करें। थैंक यू।